सो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 2021 के अंदर KTM की ड्यूक सीरीज की अगर बात की जाए तो उसमें कौन सी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है, मतलब पैसा वसूल कौन सी KTM की ड्यूक बाइक है। अगर सिर्फ ड्यूक सीरीज में बात करी जाए, सिर्फ नेकेड जो बाइक्स आती हैं जो कि ड्यूक सीरीज नाम से आती है, KTM के द्वारा जो बनाई जाती है इंडियन मार्केट में, उसके अंदर चार बाइक हमें देखने को मिलती है, ड्यूक 125, ड्यूक 200, ड्यूक 250 और ड्यूक 390। ये चार बाइक्स आती हैं इंडियन मार्केट में, तो आज हम इन चारों बाइक्स का कंपैरिजन करके पता लगाने वाले हैं कि कौन सी बाइक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है आपके हिसाब से, आपके लिए। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग वीडियो की, और मैंने पहले आपको चारों बाइक्स दिखाता हूँ। लाइन से चारों बाइक्स खड़ी है यहाँ पर मेरे सामने, बहुत ही कमाल के कलर्स हैं, बहुत ही कमाल के लुक्स हैं। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ड्यूक 125, विच इज़ द इकोनॉमिकल, सबसे सस्ती जो KTM की बाइक आती है वो है ड्यूक 125। लिटरली यार शानदार लुक्स देखने को मिलते हैं, ड्यूक 200 वाले एग्जैक्ट लुक्स देखने को मिलते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ड्यूक 125, कुछ इस तरीके की बाइक आती है। अब चलते हैं ड्यूक 200 की तरफ जो कि इससे थोड़ी सी महंगी आती है, उसके अंदर थोड़े बहुत अच्छे फीचर्स आते हैं। सो कुछ इस तरीके की ड्यूक 200 देखने को मिलती है, सेम लुक्स आते हैं ड्यूक 125 और ड्यूक 200 का, बस अंतर है तो सिर्फ ग्राफिक्स का। अब चलते हैं इसके ऊपर जो बाइक आती है, विच इज़ द ड्यूक 250। Literally an amazing piece of machinery, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर all in LED headlight cluster इस bike के अंदर। अब चलते हैं इसके ऊपर जो variant आता है, जो कि आता है Duke 390, एक rocket जो होता है ना यार, वो ये bike है, rocket कहते हैं ना भाई साहब, ये bike है वो, सही बताऊँ तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं all in LED headlight cluster, super power, super bike। बात करी जाए चारों bikes की, और पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इन चारों में से मुझे कौन सी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक लगती है, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्यों वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है। सो कुछ ये बाइक है जिसका नाम है ड्यूक 250, तो ये है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी KTM ड्यूक बाइक। अगर पैसे से भी बात करी जाए, अगर पैसे का भी कंपेरिजन करा जाए, तो ड्यूक 250 इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक। अब क्यों, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। शुरुआत करेंगे हम ड्यूक 125 से। बात करी जाए ड्यूक 125 की, यार मुझे कहीं ना कहीं ये एक ओवर प्राइज्ड बाइक लगती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव बाइक लगती है। अब यार इसके अंदर अगर इंजन की बात करी जाए तो इतना पावरफुल इंजन हमें देखने को नहीं मिलता है, बस 124.9 cc का इंजन मिलता है। पंप आउट करता है 14.5 ब्रेक हॉर्स पावर और 12 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बट इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर माइलेज हमें बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, लगभग 40 से 42 किलोमीटर पर लीटर आपको माइलेज देखने को मिलेगा इस बाइक में। बट सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा, तो ब्रेकिंग इस बाइक के हिसाब से तो अच्छी है बट बहुत अच्छी नहीं है। अब चलते हैं ड्यूक 200 की तरफ, जो कि एक थोड़ी सी एक्सपेंसिव बाइक आती है। बाइक के ब्रेकिंग की बात करी जाए तो इसके अंदर हमें डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, जो कि इस बाइक की ब्रेकिंग थोड़ी बेटर कर देता है ड्यूक 125 से अगर कंपेयर करा जाए। बाकी लगभग इस बाइक में सब कुछ सेम है। इंजन के बारे में बात करी जाए तो इंजन इसका अच्छा पावरफुल है, इंजन जो इसका 199.5 cc का है, पंप आउट करता है 24.6 ब्रेक हॉर्स पावर और 19.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी सब इस बाइक में जो लुक वगैरह है वो लगभग ड्यूक 125 जैसे ही देखने को मिलते हैं ड्यूक 200 के अंदर। अब चलते हैं ड्यूक 250 की तरफ। अब इसके अगर इंजन की बात की जाए तो इंजन जो है ड्यूक 200 से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, अगर कंपेयर करा जाए दोनों बाइक्स को, तो लगभग 248.8 cc का इंजन आता है, 24 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क पंप आउट करता है, 29.6 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर पंप आउट करती है ये बाइक। सबसे बेहतरीन चीज़ जो हमें इस बाइक में देखने को मिलती है वजह है वो है LED हेडलाइट क्लस्टर, और नॉर्मल LED हेडलाइट क्लस्टर नहीं है, एक शानदार ऑल इन LED हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट ड्यूक 390 वाला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें डुअल चैनल ABS विद सुपर मोटो देखने को मिल जाता है, साथ में हमें यहाँ देखने को मिल जाता है साइड एग्जॉस्ट, जो कि इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो बेटर कर देता है। अब चलते हैं चौथी बाइक की तरफ जो कि है ड्यूक 390। अगर प्राइस के बारे में अगर कंपेयर ना करा जाए तो मेरे हिसाब से ड्यूक 390 से अच्छी बाइक आपको शायद ही कोई और मिले, और इसका जो माइलेज है लगभग 22-25 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है। बात करी जाए इंजन की तो 373 cc का इंजन आता है, पावर के हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट बाइक यू कैन अफोर्ड एंड इट्स बिल्ड बाई KTM इन इंडियन मार्केट। BS6 अगर वेरियंट की बात करी जाए तो इसका जो पावर है वो मिलती है 42.9 ब्रेक हॉर्स पावर और 35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसका नाम शानदार यहाँ पर TFT स्क्रीन देखने को मिलती है,
यहाँ पर आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर, स्लिपर क्लच मिलता है, डुअल चैनल रिबेस विद सुपर मोटो देखने को मिलता है। तो ये तो मैंने आपको चारों बाइक्स के बारे में बात बता दी, बट अब जो बात आती है वो ये बाइक क्यों बेस्ट है। सबसे पहले यार प्राइस इसका कम है, प्राइस के बारे में बात करी जाए तो लगभग 2,17,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। माइलेज के बारे में बात करी जाए तो लगभग 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है, जो कि एक डिसेंट माइलेज है। और बात करी जाए कि इसके अंदर हमें एग्जॉस्ट बढ़िया देखने को मिलता है, जो ब्रेक्स हैं वो ड्यूक 390 के और ड्यूक 250 के सेम है एग्जैक्टली। 320mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है, 230mm का रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, डुअल चैनल एबीएस विद सुपर मोटर मिलता है, स्लिपर क्लच देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको शानदार सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है। तो अगर प्राइस को भी कंपेयर करा जाए, माइलेज को भी कंपेयर करा जाए और इंजन की पावर को भी कंपेयर करा जाए, सिटिंग कंफर्ट चारों बाइक्स में सेम है। अगर राइडिंग कंफर्ट की बात करी जाए तो चारों बाइक्स में सेम है। बात करी जाए अर्गोनॉमिक्स की और मैन्यूवरेबिलिटी की, मतलब आप ट्रैफिक से कैसे मैन्यूवर कर सकते हैं, तो चारों बाइक्स में सेम है लगभग। बट एक पावर भी अच्छी हो, प्राइस भी कम हो, माइलेज भी बहुत अच्छा हो एंड पावर एक थोड़ी सी बेटर साइड में, मतलब थोड़ी ज़्यादा अच्छी पावर हो एंड लुक्स में बहुत अल्टीमेट हो, फीचर्स में बहुत अल्टीमेट हो, तो ड्यूक 250 विनर है चारों बाइक्स के अगर कंपेयर करा जाए तो मेरे हिसाब से। तो देखो ड्यूक 250 इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी KTM ड्यूक बाइक BS6 वेरिएंट्स में अगर कंपेयर करा जाए तो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि यार ये ड्यूक 250 इस बात की विनर है या फिर कोई और बाइक को ये अवार्ड देना चाहिए था, ये नेम का टैग देना चाहिए था। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नीचे प्यारा सा लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन, उसको तोड़ मोड़ फोड़ो जो करने करो जब जाना चाहिए, साथ में घंटे का अंदर बैठ अगर मत जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ लिख के आ रहा है throttle_98 इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो गाइस डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना बनता है, इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर बनता है अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कन्फ्यूज़ हैं यार KTM की चारों बाइक्स के अंदर कि यार कौन सी बाइक लूँ मैं, विच इज़ दी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी KTM ड्यूक बाइक इन इंडियन मार्केट, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ डे। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आपसे ऐसी एक शानदार अलग वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।